हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एक बार सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आइए, बहुत सारे जो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी ये डिमांड है, वो बार बार कमेंट्स से मुझे पूछते रहते हैं कि हम चेस्ट के अकॉर्डिंग कितना शोल्डर और आर्म होल लें। तो मैं आज आपको एक बहुत ही सुंदर और बहुत इजी तरीके से और चेस्ट और आर्म होल की पूरी डेप्थ बता रही हूँ, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और टोटल जो आपका मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप बनाइएगा। देखो, इसमें हमारे तीन प्रकार के नेक होते हैं। एक तो हमारा साधारण नॉर्मली नेक होता है, एक हमारा डीप नेक होता है यानी कि ब्रॉड नेक या डीप नेक होता है, एक जो हमारा हाई नेक यानी बंद गला होता है, बिल्कुल बंद होता है। तो हमारे तीन प्रकार के नेक है। मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगी कि अब हमें क्या करना चाहिए इन तीनों के बारे में, कितना हमें शोल्डर और आर्म होल साधारण में लेना चाहिए, कितना हमें शोल्डर और आर्म होल ब्रॉड नेक या डीप नेक में लेना चाहिए और फिर कितना हमें शोल्डर और आर्म होल हाई नेक यानी बंद गले में लेना चाहिए। तो ये तीन प्रकार के नेक है जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ और उनको आप जो है जब भी बनाए मेरी इस डिपत को आप ध्यान में रखते हुए और इसको चेक कीजिएगा, देखिएगा, यूज में लीजिएगा कि आपका बिल्कुल मेजरमेंट सही आ रहा है क्या, और फिर आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ मैंने जो दिया है वो आपके काम आने वाली चीज़ है। अब देखो, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले देखो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी नई नई वीडियोज आती है वो आप तक पहुँचती रहे। और वो वीडियो पहुँचे कि कैसे, जब आप बेल का आइकन जो क्लिक कर लोगे तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, तो आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि मैम इसका फ्रंट ए पहला भाग कहाँ है और इसका दूसरा भाग कहाँ है या इसकी डिजाइन की कटिंग कहाँ है या इसकी स्टिचिंग कहाँ है, तो आपको ये सब पूछना नहीं पड़ेगा। तो जब भी आप सब्सक्राइब करो किसी भी चैनल को तो आप उसको बेल का आइकन को क्लिक करना ना भूलो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखो, मैं आपको तीनों प्रकार के नेक बताती हूँ पहले कि देखो साधारण नेक कौन सा होता है। ये हमारा साधारण नेक है, जैसे नॉर्मली 6 इंच का होता है, ये है आगे पीछे का जो 6 इंच का नेक होता है वो है हमारा साधारण नेक होता है। और जो डीप नेक कौन सा होता है, जो आगे का मान लीजिए 6 इंच और बिग साइड का 11 या 12 इंच का होता है, और ये जो ब्रॉड नेक होता है वो आगे का 6 इंच होता है किंतु जो बिग साइड का होता है ये यहाँ से ब्रॉड होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है, जैसे यहाँ पे नेक तो डीप है किंतु ब्रॉड नहीं है, फैला हुआ नहीं है, जो इसकी जो गहराई है वो चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं है, गहराई तो बराबर होती है, लगभग ये भी 11-12 नीचे होता है, तो ये डीप नेक ही होता है, सिर्फ नॉर्मली डीप नेक होता है। और ये जो ब्रॉड नेक होता है ये यहाँ से तो नॉर्मल होता है और यहाँ जाते जाते इसकी जो ऐसे चौड़ाई हो जाती है, इसको ब्रॉड बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा ये ब्रॉड नेक होता है। तो इसमें हमें बहुत चीज़ें ध्यान रखनी होती है ताकि जो आपका नेक है वो ये से गिरे नहीं, इस तरफ से ये इस तरफ गिरने लगता है, नेक यहाँ पे कंट्रोल नहीं रहता, तो इसको कंट्रोल करना है आपको। आपका सुंदर ब्लाउज का नेक बनना चाहिए और इस पे बहुत सुंदर पाइपिंग कैसे आप लगा सकते हो ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो वो भी आप वॉच कीजिएगा फुल साइज में। अभी आप ये तीनों जांच लें कि ये देखो, ये तो है नॉर्मली नेक, साधारण नेक है, ये हमारा डीप नेक है, ये ब्रॉड नेक है, और एक जो होता है बिल्कुल बंद होता है, बंद होता है वो क्या होता है, ये बैक साइड बिल्कुल बंद है और आगे से ये नॉर्मली नेक होता है, तो ये हमारा हाई नेक है, ये बैक साइड से बिल्कुल बंद है, जैसे 2 या 3 इंच खुला होता, ओपन होता है, तो इसको हाई नेक बोलते हैं, बिल्कुल बंद होता है, ये हाई नेक ब्लाउज होता है। तो मैं आपको हाई नेक के बारे में, ब्रॉड या डीप नेक को एक साथ में ले रहे हैं हम, क्योंकि उसके अंदर हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है, ये जो ब्रॉड है ये जो डीप नेक है, तो ये दोनों में ही कंट्रोल बहुत जरूरी होता है, यहाँ पे शोल्डर पे ये दोनों शोल्डर से छिटकने लगते हैं, गिरने लगते हैं, उतरने लगते हैं, तो इनका कंट्रोल बहुत जरूरी होता है दोनों का। और ये जो दोनों हैं वो नॉर्मली हैं और आपको कोई इससे तकलीफ या मतलब प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये नॉर्मली अच्छे बनते हैं, नॉर्मली नेक होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि साधारण नेक में हमें नॉर्मल नेक बनाना है, नॉर्मल नेक ये वाला होता है 6 इंच आगे का 6 इंच पीछे का। तो 28-30 चेस्ट में हमें नॉर्मल नेक में शोल्डर और आर्म होल की, नॉर्मली ब्लाउज में शोल्डर होती हैं 5 इंच और आर्म होल लेंगे हम यहाँ पे 5.5 इंच,
नॉर्मली यानी कि साधारण ब्लाउज में 32 चेस्ट में हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे 5.25 इंच। आपको पता बता सकते हैं कि नॉर्मली ब्लाउज कितना होता है? नॉर्मली ब्लाउज 6 आगे से और 6 पीछे से, ध्यान रखें, ठीक है। इसमें हमारे शोल्डर हैं 5.25 इंच 32 में और हमारे आर्म होल है 5.75। 34 में हमारे शोल्डर होंगे 5.5, हमारे आर्म होल होंगे 6 इंच। 36 में हमारे शोल्डर होंगे 5.34 यानी 5.6 इंच और यहाँ पे 6 इंच। 38 में 6 इंच और 6.5 इंच। 40 में 6 इंच 6 1/4 हो गया 6.25 इंच और 7.5 इंच 6.5 इंच और 7 इंच। यहाँ पे भी फिर आपको 7.5 इंच ये सब नॉर्मली ब्लाउज होता है उसके अकॉर्डिंग सारा मेजरमेंट आपका आ गया है 44 तक। और नॉर्मली हम 44 तक ब्लाउज बनाते हैं। अब आप 48 तक जानना चाहते हो तो मैं बताऊं आपको, नॉर्मली ब्लाउज में आप 44 तक बनाना चाहते हो तो यही आपको 48 तक आप में 48 में आप यहां 7 इंच कर लो और यहां पे आपको 7.5 कर लो 48 में। ये 44 है साधारण ब्लाउज में, यहाँ पे आपको 7 इंच, यहाँ पे 7.5 इंच, बस इतना ही चेंज करना है। अब देखो हम आते हैं ब्रॉड नेक में या फिर डीप नेक में, इन दोनों को मैंने एक कर लिया है, ब्रॉड नेक या डीप नेक, ठीक है। अब मैं आपको ब्रॉड या डीप नेक का बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे 28 और 30 का चेस्ट, इसमें हमें शोल्डर लेना है आपको 4.75, ठीक है। और आर्म होल लेना है आपको यहाँ पे 5.25 इंच या फिर 5 इंच भी आप रख सकते हो, यहाँ पे मैंने 5.25 इंच दिया है आपको। 32 में आप यहाँ पे ऐसे ही 4.90 यानी 5 इंच के अंदर अंदर ही रखें आप इनको, यहाँ पे आप आर्म होल 5.5 रख सकते हो। 30 में आप यहाँ पे 5 इंच रखेंगे, यहाँ पे आर्म होल आप 5.75। आर्म होल हमेशा देखो, आर्म होल तो हमारे हल्के हल्के यहाँ पे 1/2 इंच से ज्यादा बढ़ते ही रहेंगे, किंतु जो नेक है उसको आपको कंट्रोल में रखना है। यहाँ पे आप देखो 4.5 इंच भी ले सकते हो, काफी बार मैं यहाँ पे 4.5 भी लेती हूँ और मैंने 4.5 आपको बताया, तो इसके अंदर आपको शेप लगा देना है। जो हमारा ऊपर का होता है वो 1/2 इंच शेप में चला जाता है। यहाँ पे 36 है, यहाँ पे हम 5.5 इंच ब्रॉड नेक में और यहाँ पे हम 6 इंच लेंगे। फिर यहाँ पे सॉरी ये 5.5 है, यहाँ पे 5.5 हो गया है, 5.5 इंच और 6 इंच। यहाँ पे आपको ब्रॉड नेक है और 38 है, यहाँ पे भी आप 5.5 भी रख सकते हो शोल्डर या फिर 5.5 इंच, तो लास्ट एकदम ध्यान रखें। यहाँ पे हमें 6.5 इंच, यहाँ पे 6 इंच और 6.5 इंच। 42 में आप फिर 6 इंच और यहाँ पे आपको 7.5 इंच, यहाँ पे आप 6.5 इंच और यहाँ पे आप 7 इंच। ये हमारे 44 तक का नाप है, डीप नेप का है और ब्रॉड नेक का ये नाप है, ये मेजरमेंट है। ये जो दो लाइन है ये ब्रॉड नेक की है, ये नॉर्मल नेक की है। अब मैं आपको हाई नेक की बता रही हूँ।
ये यहाँ पे ब्रॉड नेक नहीं है, ब्रॉड नेक और हाई नेक डीप नेक दोनों एक साथ में है। अब मैं आपको हाई नेक जो बंद गला होता है उसके बारे में बता रही। यहाँ पे हम 5.5 इंच से स्टार्ट करेंगे, देखो 5.5 इंच और 6 इंच, ये 28-30 का है। आपका बैक साइड का नेक यहाँ पे बंद होना चाहिए, ठीक है। 32 में है तो आप यहाँ पे 32 में शोल्डर तो आप 5.5 ही लेंगे और यहाँ पे भी हम 6 इंच ही लेंगे। 28 से 32 तक लगभग ये समान है। यहाँ इसके बाद में आपको 5.75 शोल्डर और यहाँ पे आपको आर्म होल 6.25 कर देने हैं। यहाँ पे आपको 6 इंच शोल्डर और यहाँ पे आपको आर्म होल 6.5 इंच कर देने हैं। यहाँ पे आपको 6.5 इंच शोल्डर और यहाँ पे आपको आर्म होल 7 इंच कर देने हैं। यहाँ पे आपको 7 इंच शोल्डर और 7.5 इंच आर्म होल कर देने हैं। यहाँ पे आपको 42 में 7.25 इंच और 7.25 इंच और यहाँ पे आपको 7.5 इंच 44 में 7.5 इंच शोल्डर और 7.25 इंच ये आपकी आर्म होल होनी चाहिए। तो ये मेजरमेंट आपका बंद गले का है, बैक साइड का आपका गला बंद हो हाई नेक हो, ठीक है। ये आपका ब्रॉड नेक, ये जो दो लाइन है ये आपको ब्रॉड नेक में ध्यान रखें, ये यहाँ से ये ब्रॉड नेक है और ये यहाँ से ये हाई नेक है और ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो है ये है आपका नॉर्मल नेक में। तो इस बात को आप ध्यान रखें, नॉर्मल नेक बनाए तो आप इस प्रकार का जो शोल्डर आर्म होल यूज में ले, आपको डीप नेक बनाना है तो ये ध्यान में रखें, और अगर आपको बंद गला बनाना या हाई नेक बनाना है तो आप इस प्रकार का मेजरमेंट बनाए, आपका ओके रहेगा। और आर्म होल जांच करने का मैंने आपको एक ब्लाउज की कटिंग में बहुत अच्छा, मैं हर ब्लाउज की कटिंग में बताती हूँ कि आर्म होल आप कैसे जांच करें ब्लाउज में। जब आप बना रहे हो कटिंग कर रहे हो तो चेस्ट के अकॉर्डिंग जब आप शोल्डर की कटिंग कर रहे हो, जैसे कि ये हमारी, जैसे मान लो यहाँ पे ये शोल्डर है, आर्म शोल्डर है हमारी और ये हमारी आर्म होल है, ठीक है। ये हमारा चेस्ट है और इस प्रकार से हमने ये शेप दे दिया है अपनी बाजू का, ठीक है। अब यहाँ से ये आपका फिटिंग का मार्किंग है, ये आपकी मार्जिन की है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी नाप आती है उसको आप आर्म होल बनाए हमेशा के लिए, आपका बिल्कुल आर्म होल सही होगा यहाँ फिटिंग के निशान से और आप यहाँ तक जो हमारा शोल्डर है यहाँ तक जो आप सीधा इंची टेप आता है, जैसे ये हमारा इंची टेप है तो यहाँ फिटिंग से और यहाँ तक आप जैसे देखेंगे शोल्डर की लाइन तक, तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे इसमें 1.25 इंच आया है यहाँ पे, तो ये 1.25 इंच हमारा आर्म होल हो गया है। तो इस प्रकार से आप आर्म होल की हर ब्लाउज में जांच करें, जब आप कटिंग कर ले तो मार्जिन को छोड़ दे, मार्जिन जैसे इसमें अलग है वैसे बाजू में अलग ले लेना है, और जो आर्म होल होती है वो यहाँ से यहाँ नापे। आप फ्रॉक सिलते हो, सूट सिलते हो, जो भी ड्रेस सिलते हो, जिसकी भी सिलते हो, जैसे भी सिलते हो और जिस भी नाप की सिलते हो, तो आप इस प्रकार से यहाँ से फिटिंग से और शोल्डर तक आप जांच लें, जो भी आपकी ऐसे लंबाई होती आती है, जो भी आपकी इसका नाप आता है वो आपका आर्म होल होगा और ये ओके होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और नहीं आई हो तो कोई बात नहीं है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।